फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत सारे लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन, लेकिन आज भी वैसे बहुत सारे लोग हैं उन्हें पता नहीं है भाई फ्लिपकार्ट कैसे चलाना है, उसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके साथ इसे कैसे चलाना है वगैरह, कौन से भी प्रोडक्ट्स आपको कैसे परचेस वगैरह करना है, फुल एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताएं। तो वीडियो आखिर तक देखिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर अपना जो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करना है। आप इसे ओपन करते हो तो आपके पास यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, जो अभी आपकी लैंग्वेज आपको जो भी आपको पसंद है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट करते तो हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें हम जो अपना मोबाइल नंबर है इसे डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, आपको सिंपली से वो ओटीपी डालना है। तो यहाँ से आपका जो फ्लिपकार्ट है ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, जैसे शूज़ वगैरह जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए यहाँ से आप सिंपली सी सर्च कर सकते हैं। शूज़ चाहिए तो शूज सर्च कर सकते हैं, जो चाहे आप अपने पसंद से जो भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना है यहाँ से आप अपने सारे प्रोडक्ट उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। तो आपको यहाँ से जो भी प्रोडक्ट पसंद आएगा यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। या बुविन ऐप पर आपको क्लिक करना है, उसके रेट्स वगैरह देखना है, आपको पॉलिसी वगैरह, यहाँ से आपको शूज़ वगैरह पूरे डिटेल्स यहाँ एक्सप्लेन हो जाएंगे। आपको बुविन ऐप पर क्लिक करके आपका जो शूज़ का आप शूज़ ले रहे हो आप कैसे ऐसे आपका मेजरमेंट के हिसाब से कुछ भी आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आपको यहाँ मेजरमेंट का भी ऑप्शन मिलता है कि जो आप अपने हिसाब से उसकी साइज़ वगैरह, टी शर्ट की साइज़ आपके क्या है, एल एम, या आपके शूज़ से साइज़ क्या है, वो भी आपको यहाँ दिखाई देता है। तो आप अपने हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करते हो तो आपके पास यहाँ नेम वगैरह आएगा। उस टाइम भी इसे परचेस करो तो आपको अपना एड्रेस वगैरह फुल फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सेव एड्रेस करना है और पेमेंट पर क्लिक करना है। तो मैं अपना सबसे ऊपर आपका आपका नाम डालना है। नाम डालने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको आपको मोबाइल नंबर डालना है, पहले से मौजूद है आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, ऐड अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, या यूज़ माई लोकेशन पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली लोकेशन भी डाल सकते हैं। फिर आपको कोई अदर लोकेशन डालना है तो आप यहाँ से एक एक सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। यहाँ से होमवर्क आपको होम सेलेक्ट करना है तो होम में क्या होगा, ज़्यादा डिलीवरी के चांस यानी सुबह के 7 बजे से 9 बजे तक हो जाएगा, और ऑफिस वर्क करोगे तो यहाँ से सिर्फ 10 बजे से 5 बजे तक अपना पार्सल है उसे ले सकते हैं। तो आपको जो चाहे आपका ऑफिस है तो आप वर्क कीजिए, होम है तो होम कीजिए। एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद आपको सेव एड्रेस पर क्लिक करना है। सेव एड्रेस पर क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें क्या आपको बिल पे का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपना बिल वगैरह पे कर सकते हैं, पेमेंट या कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करते तो आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, वॉलेट, यूपीआई पिन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह, और जो कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है आपको, कैश ऑन डिलीवरी आप सभी को शायद पता ही होगा। या आपको कुछ प्रोडक्ट पर ईएमआई का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप जो आपके प्रोडक्ट है जो बड़ा प्रोडक्ट है आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है तो आप इसे ईएमआई भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल रहा है तो कैश ऑन डिलीवरी करने के बाद आपको जो कैप्चा कोड फिल करना है तो कैप्चा कोड फिल करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको कंफर्म ऑर्डर हो जाएगा। आपको कर तो आपको ऊपर 3 लाइन मिल रही है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको फ्लिपकार्ट प्लस जोन मिल रहा है। सारे प्रोडक्ट्स वगैरह परचेस करते हो फ्लिपकार्ट से तो आपको फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप मिलता है, जिसमें आपको क्या होगा कोई भी डिलीवरी चार्जेस वगैरह बहुत सारे ऐसे फीचर्स वगैरह मिलेंगे। ऑल कैटेगरीज भी देख सकते हैं आपको क्या चाहिए, मोर ऑन फ्लिपकार्ट चूज एंड लैंग्वेज, आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑफर जोन देख सकते हैं, कोई ऑफर वगैरह चालू है क्या, सेल ऑन फ्लिपकार्ट देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे कोई सेल वगैरह चालू है क्या, माय ऑर्डर्स आपने कुछ परचेस किया है तो हमने अभी शूज़ परचेस किया है तो इसे माय ऑर्डर्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके ऑर्डर्स वगैरह क्या है, तो आप यहाँ से ऑर्डर है आपके फुल डिटेल्स देख सकते हैं, तो आप यहाँ से चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हो। तो कैंसिल यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं तो कुछ डालने के बाद आपका जो ऑर्डर है कैंसिल भी हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी आपका रीज़न है आप डाल के अपना जो ऑर्डर है कैंसिल कर सकते हैं। ज़्यादा कैंसिल करने के बाद आपका जो कैश ऑन डिलीवरी का वगैरह ऑप्शन है चला जाएगा, यहाँ से कैंसिलेशन कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा तो आप यहाँ से अपना जो ऑर्डर है कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ भी इजीली परचेस कर सकते हैं, जैसे कि हमें सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, ऊपर सर्च करने के बाद हेडफोन सर्च करते हैं तो हमें यहाँ सर्च पर शॉर्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी लगा सकते हैं। आपको देख के पता चला होगा फ्लिपकार्ट कैसे चलाते हैं वगैरह, नहीं आया तो कुछ आपके मन में सवाल वगैरह तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।